न्यूजीलैंड विच कामियां दी लगातार चल रही घाट करके कई अक्के हुए डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस नूं छट देण बारे विचार कर रहे हन। पर पिछले हफ्ते मेडिकल काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड वल्लों जारी कीते गए सर्वे अनुसार सेहत खेतर विच थोड़ा सुधार हुंदा नजर आया है। आंकड़े अनुसार पिछले साल दे मुकाबले इस साल देश भर विच 523 नवे डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हन। अते नाल ही इस सर्वे ने दर्शाया कि कुल डॉक्टरां दी गिणती चों 4.6% डॉक्टर माओरी भाईचारे तो हन। तुहानू दस दईए इह माओरी भाईचारे दा हुण तक दा सब तो वड्डा रिकॉर्ड है अते सन 2000 विच दर्ज कीते अंकड़ियां तो दुगणा है। पर न्यूजीलैंड दी कुल आबादी दा तकरीबन 16.5% हिस्सा बनन वाले इह लोग हाले भी डॉक्टरी पेशे विच महत्वपूर्ण तौर ते घट नुमाइंदगी करदे हन। रॉयल न्यूजीलैंड ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स दी प्रधान समैंथा मर्टन ने भी मन्या कि माओरी अते पैसिफिका लोकां नूं समाजिक रूप विच होर भी अग्गे लियाउण दी लोड़ है। जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर एपी टेलेमाइटोगा ने कहा कि डॉक्टरां दी भर्ती पिछले 3 सालां तो एक वड्डी चुनौती बनी हुई है। सन 1980 तो 2000 तक जनरल प्रैक्टिशनर्स दी गिनती 40% सी, जो हुण घट के 25% ते आ चुकी है। इसे कारण मौजूदा डॉक्टरां ते कम दा बोझ वधदा जा रहा है। डॉक्टर टेलेमाइटोगा भी 25 सालां दी प्रैक्टिस तो बाद हुण सेवा मुक्ति बारे सोच रहे हन। उन्हां दस्या कोरोना महामारी दे चलदे लंबे समय तो फोन ते ही ट्रीटमेंट लै रहे पेशेंट्स हुण पहलां वांग असल विच मिलके डॉक्टरां तो इलाज दी उम्मीद करदे हन। नैशनल पार्टी दे सेहत बुलारे शेन रेती ने भी इस गल नूं मन्या कि कम दा बोझ सांझा करन लई लोड़िंदे डॉक्टर नहीं मिल रहे। यह गंभीर स्थिति डॉक्टरां ते लगातार वध कम दा दबाव पा रही है अते ड्यूटी करन लई उन्हां नूं देर रात तक हस्पतालां विच रहना पैंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट NZ पंजाबी न्यूज़।